गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे। हम लोग गले में ये तुलसी कंठी क्यों पहनते हैं? कुछ कुछ लोगों का कहना है भक्ति करना तो भगवान की भक्ति करना है, ये सब कंठे में तुलसी कंठी तिलक चोटी ये सब रखने का क्या जरूरत है? लेकिन हमारे शास्त्र कहता है जरूरत है। जैसे एक सधवा स्त्री, हमें कैसे पता चलता है ये सधवा स्त्री? मांग भरती हैं, सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, हाथ में चूड़ी धारण करती हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसको देख करके हमें पता चलता है ये सधवा है। लेकिन ऐसे कुछ चिन्ह है जिसको देख कर हमें पता चलता है ये विधवा है। उसी तरह हम भी भगवान को भक्ति करते हैं, इसमें क्या प्रमाण है हम भगवान को भक्ति करते हैं? इसलिए शास्त्र में इसका बहुत कुछ प्रमाणित दिया है। जैसे कि पुलिस है, लेकिन उसको ड्रेस देख कर हम पता चल जाता है पुलिस है। जैसे जब कोई वकील व जज वो अपना ऑफिस में जाता है, वो अपना कोट बूट सूट पहन करके जाता है, जिसको देख करके पता चलता है ये जज है ये वकील है। जब ये साधारण जगत में ये सब चिन्ह का जरूरत है, तो अप्राकृत जगत में ये सब चिन्ह का जरूरत नहीं, जरूरत है। इसलिए शास्त्र में तुलसी कंठी धारण करने का विधि बताए। इसलिए जो तुलसी धारण करते हैं ये मत समझिए ये केवल एक मन का भाव है, नहीं। हमारे जितने ऋषि मुनियों ने जो जो बात बताया है वो सबके सब साइंटिफिकल कुछ रीजन है। इसलिए प्रश्न होता है फिर ये तुलसी पहनने में क्या साइंटिफिकल रीजन है? कहते ऐसे जो जो हिंदू सभ्यता में हमारे सनातन धर्म में जो जो वृक्षों को हम लोग पूजा करते हैं, कौन सा वृक्षों को हम पूजा करते हैं? जैसे तुलसी वृक्षों को पूजा करते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जैसे पीपल वृक्ष है, वो वृक्ष को भी हम प्रणाम पूजा उनको भी करते हैं। जैसे नीम का वृक्ष है उसको भी पूजा करते हैं। इसका पीछे क्या रहस्य है, कारण क्या? बोले कारण है ये जो तीनों वृक्षों का नाम हमने लिया है, ये वृक्ष ये दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और ये रात को भी ये ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन और जितने सारे वृक्ष हैं ये क्या करते हैं? दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात को ये जितने सारे वृक्ष हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में आंगन में तुलसी वृक्ष रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। घर को सामने ये तुलसी वृक्ष रखते हैं, इसका भी एक साइंस है। आंगन में क्यों तुलसी वृक्ष रखते हैं? कारण है ये तुलसी वृक्ष ये ऑक्सीजन हर समय दिन रात हर समय ये ऑक्सीजन छोड़ती रहती है। और विशेष करके शास्त्र में बताए बोले वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। ये तुलसी का प्रणाम मंत्र है। कहते तुलसी वृक्ष कौन है? बोले वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशव सच, ये भगवान की ये प्रिया है, ये भगवान को प्रेम भक्ति देने वाले हैं। इसलिए हम लोग गले में जो तुलसी कंठी धारण करते हैं इसका कारण है, जैसे भगवान को हम जो कुछ भोग लगाने पर भी
छापन भोग 36 व्यंजन, लेकिन बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। बगैर तुलसी के प्रभु एक वस्तु भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह हमारा ये जो शरीर है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खेति जल पा बक ग ग न समीरा, पंच रचित यह आधा मा शरीरा। हमारे शरीर पांच चीज को द्वारा बना हुआ होता है, इसलिए जो पांच चीज से बनी हुई है ये अपवित्र है, अधम शरीरा है। इसलिए ये शरीर भगवत सेवा के लायक नहीं। जैसे साधारण दाल भात रोटी सब्जी में तुलसी दल देने पर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो प्रसाद हो जाता है, ठीक उसी तरह जब हम गले में तुलसी कंडी धारण करते हैं ये शरीर ठाकुर जी का अर्पित हो जाता है, ये भगवान का बन जाता है, भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जो तुलसी कथिए आठ तरह से जीव का कल्याण करती हैं, बोले दृष्टा स्पृशा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता शोभा। इसलिए एक आठ तरह से कैसे, बोले दृष्टा केवल तुलसी को दर्शन मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की शक्ति, ये कृष्ण की प्रिया और उसमें बहुत सारे मेडिसिन। अब लोगों को पता होगा अभी जो करुणा आया है, अभी डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, अगर शरीर का ह्यूमिनिटी को बढ़ाना चाहते हो तुलसी पत्ता खाओ, तुलसी दल को सेवन करो। अगर किसको बुखार शरीर तबीयत खराब हो, डॉक्टर क्या कहते हैं, तुलसी पत्ता को उबाल कर उसका पानी लो। रामदेव का जो दुकान में भी तुलसी का जूस मिलता है पेट साफ करने के लिए, रोग दूर करने के लिए। इसलिए ये दृष्टा केवल तुलसी की दर्शन मात्र से ही भगवान जब इसी जगत से गए अपना स्वरूप का चार स्थान पर रख करके जाते हैं। बोले कहाँ कहाँ अपना स्वरूप रखे, बोले भागवत गंगाए तुलसी भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण यही चारि सने। ये चार जगह पर भगवान का निवास, एक गंगा में, तुलसी में, भक्तों में और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। इसलिए तुलसी में भगवान का निवास है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबके सब घर को सामने तुलसी पौधा रखते। कारण क्या, जब हम घर से निकल करके जाते हैं अगर तुलसी को दर्शन करके प्रणाम करके जाओ, आप जिस काम के लिए जाते हैं वो काम जरूर आपका बन जाएगा। बोले दृष्टा स्पर्शा, तुलसी को जब हम स्पर्श करते हैं स्पर्श मात्र से ये शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए हम गले में ये तुलसी कंठी जो धारण करते हैं ये शरीर को स्पर्श करता है। इसलिए पुराण में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण करते हुए स्नान करते हैं इसका सारे पानी सारा शरीर में जाती है। शरीर में पानी जाने पर पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। कहते 6 अरब तीर्थ में स्नान करने का जो फल है गले में तुलसी कंठी धारण करते हुए स्नान करने का, वही फल है। जब गले में कंठी जब स्नान करते पानी सारा शरीर में जाएगी, क्योंकि तुलसी स्पर्श करते हुए जाने पर उसमें बहुत सारी मेडिसिन अपने आप शरीर से, बहुत सारी बीमारी अपने आप सही हो जाते हैं। इसे दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता, जब तुलसी का हम ध्यान करते हैं इसको द्वारा भी कल्याण होता है। नमिता, जब तुलसी का हम प्रणाम करते हैं हमारे कल्याण होता है। बोले रोपिता, जब तुलसी वृक्ष को हम वपन करते हैं बोते हैं। बोले जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष बोते हैं, तुलसी वृक्ष नहीं बोते हैं, अपना हृदय में भगवान का प्रेम को रोपण करते हैं। सेविता, जो तुलसी में पानी देते हैं, जो परिक्रमा करते हैं। इसलिए ये तुलसी कहते ये आठ तरह से जीव का ये कल्याण करती हैं ये तुलसी। इसलिए पुराण में बहुत सारे श्लोकों को दिया है ये तुलसी कैसे कैसे जीव का कल्याण करता है। बोले तुलसी दल जा माला कंठस्ता बहते तुज ददाती पापी नाम मुक्ति किम पुन्ना विष्णु से बिना। कहते स्कंद पुराण में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी माला धारण करते हैं
कहते हैं जितने हमारे पाप है ये सारे पाप को ये दूर कर देता है। इसलिए दूसरा पुराण में बताया, बल तुलसी काठ संभूता जो मालांग बहते नर प्रायश्चितम न तस्यास्ति न शौचम तस्य विग्रहे। तात्पर्य क्या, जो व्यक्ति तुलसी काठ से गले में माला को धारण करते हैं, कद जीवन में उसको किसी तरह का प्रायश्चित करने का कोई जरूरत नहीं। बोले तुलसी काठ मालास्तु प्रेत राजस्व दूत का दृष्ट्वा न संति दूरेन बात दूतम जथा नल। ये जब महाराज अपना दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उनको मत लाया करो। तब जब दूत प्रश्न करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन भजन करता है भजन नहीं करता है, कुछ अपना आप कुछ लक्षण बता दो। उस समय में जब महाराज ये श्लोक कहते हैं, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। कदे जमदूतों, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके शरीर में तीन लक्षण दिखाई पड़ेगा। वो तीन लक्षण क्या, बोले ललाटे तिलकम, ललाट में तिलक धारण किए होंगे, बोले गले में तुलसी की कंठी धारण किए होंगे और हृदय में भगवान की भक्ति करते होंगे। ये इसको अगर देखोगे उनको दूर से ही प्रणाम कर लेना, खबरदार उनको पास में मत जाइयो नहीं तो तुमको मार खाना पड़ेगा। बोले तुलसी कंठ मालाती भूषिताम भ्रमते जदि दुस्वप्नम दुर्निमितंच भयम शस्त्रजम कोचित। अगर कोई गले में तुलसी कंठी धारण करते हैं, कहते दुस्वप्न, जो हम लोग कभी कभी बुरे बुरे स्वप्न दर्शन करते हैं, कभी कभी वो बुरे स्वप्न नहीं होगा और सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी जिस समय लंका में माता सीता को ढूंढने के लिए पहुँचे और ढूंढ रहे थे कहाँ पर माता सीता जी, कहाँ पर माता सीता जी, लेकिन हठात देखा एक तुलसी बाग उन्होंने देखा। अरे यही तो किसी भक्तों का घर पता चल रहा है, क्योंकि ये तुलसी वृक्ष तो किसी भक्तों के घर में होता है और लंका में ये कौन है जो भगवान की भक्ति करने वाले। हनुमान जी केवल ये तुलसी वृक्ष देख करके लंका में उतरे, फिर और क्या देखा, घर को सामने लिखा हुआ श्री राम। अरे ये तुम्हारे प्रभु का नाम है श्री राम। फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह देखा, बोले ये तो प्रभु राम का भक्तों का सारे चिन्ह दिखाई पड़ता है। इसलिए हनुमत लाल जी जो लंका में उतरे केवल तुलसी वृक्ष को देख करके, अगर हमारे घर में तुलसी वृक्ष होएगा तो जरूर सी हनुमत लाल जी जरूर हमारे घर में उतर करके आएंगे। इसलिए और एक पुराण में बताए, बोले महाप्रसाद जननी अखंडम सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरे नित्यम तुलसी त्वाम नमस्तुते। तात्पर्य क्या है, कहते जब भगवान को कोई चीज भोग लगाते हैं, जब उसमें केवल तुलसी बता देने पर ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ बताया महाप्रसाद जननी, मतलब जब तक हम तुलसी बता नहीं देंगे तब तक ठाकुर जी कुछ भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए महाप्रसाद का जननी स्वरूप श्री तुलसी, तुलसी देते ही वो भगवान को अर्पित हो जाता है। अखंड सौभाग्य वर्धनी, गले में जो तुलसी कंठी धारण करते हैं भगवान उनको प्रियतम बन जाता है, ठाकुर जी उनको ग्रहण कर लेते हैं। वो अखंड सौभाग्य वर्धनी, उसका सौभाग्य कभी लूटेगी नहीं, चिरकाल सौभाग्य बन करके रहेगी। बल आधि व्याधि, जितने तरह का रोग, जितने तरह का शोक, जितने तरह का बीमारी, हरे नित्यम तुलसी त्वाम नमस्तुते। इसलिए तुलसी को प्रणाम करने से, तुलसी गले में धारण करने से सारे बीमारी दूर हो जाएगा। इसलिए और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिस समय जमदूतों ने पूछा जम महाराज को
कौन भजन करता नहीं करता हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने एक सुंदर बात बताई, बोले देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं, कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता है। लेकिन जो पालतू कुत्ते हैं कैसे पता चलता है ये पालतू कुत्ता, बोले उसको गले में पट्टा बंधा हुआ दिखता है, देखने से पता चलता है इसी घर से घर के कुत्ते। लेकिन जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं कहते ये फालतू कुत्ते हैं। लेकिन पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए आप देखिएगा अगर शहर में ज़्यादा कुत्ते हो गए, नहीं तो गाँव में सरकार ऑर्डर देता है जाओ इस कुत्तों को पकड़ करके ले आओ और ले करके जानवर को सामने डाल दो। लेकिन कैसे पता चलता है ये पालतू और फालतू, कहते हैं जिसको गले में पट्टा नहीं होता उनको सब पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं गले में उसकी पट्टा लगा हुआ पता चल जाते हैं ये किसी घर की पालतू कुत्ता है, उसको कोई स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए कबीरा बड़ी सुंदर एक दोहा में उन्होंने ये चीज़ को अभिव्यक्ति किया है, बोले कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा राम, गले राम की साकरी जितते खींचे तीती जाए। इसलिए कबीरा कह रहे हैं कहते भैया हम किसकी कुत्ते हैं, बोले कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा राम, इसलिए हम राम की कुत्ते हैं। कले गले राम की साकरी, गले में हमारा जो जंजरी लगा हुआ क्या चीज़ किस चीज़ की, बोले भगवान की भक्त का ये गले में जो कंठी, हम भगवान की जो भक्त इसका ये पहचान है। बोले मन कुत्ता दर दर फिरे तर तर तुरु तुरु होए, जब एक ही दर दर का हो ही रहे ना तुरु करे ना कोई। बड़े सुंदर उदाहरण दिए कबीरा अपना मन को ही ये बता रहे हैं, बोले मन कुत्ता दर दर फिरे तर तर तुर तुर होए, जब एक ही दर का हो ही रहे ना तुर तुर करे ना कोई। हमें अगर हम भगवान की भक्ति जब तक नहीं करेंगे, गले में तुलसी कंठी धारण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सब लोग हमें भगाते रहेंगे। लेकिन जब हम गले में तुलसी कंठी धारण कर लेंगे मतलब भगवान का राम का भक्त बन जाएंगे, ना तुर तुर करे ना कोई, फिर हमें कोई दूर दूर नहीं भगाएंगे। इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करने से जब महाराज स्वयं कहते हैं समझ लेना ये भगवान का भक्त है, इनको कभी मेरे दरबार में नहीं लाना। इसलिए आप लोग जरूर ये तुलसी कंठी पहनो, लेकिन तुलसी कंठी पहनने का कि नियम भी है सदगुरु से ग्रहण करनी चाहिए किसी साधु से, और ऐसे नहीं हमने अपने आप धारण कर लिया। और एक नियम है इसको धारण करने के लिए भागवत में बताया, चार नियम को हमें पालन करनी चाहिए तभी ये तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए। कहते चार वस्तुओं में कली का निवास है, बोले कहाँ कहाँ पर, बोले दूतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये चार अधर्म है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। पहला नंबर दूतम, दूतम मतलब होता है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। पानम, पानम मतलब जितने तरह का नस्ली वस्तु है, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब, इसको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर स्त्रियम, स्त्रियम मतलब अवैध रूप में जो स्त्री संघ है, संसार करो पत्नी को साथ में शादी विवाह होकर करो, लेकिन अवैध रूप में जो स्त्री संघ वहाँ पर कली का निवास। और जो चौथा चीज है जीव हिंसा, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब छोड़ करके गले में तुलसी कंठी धारण करेंगे तो फिर ये जल्दी जल्दी हमें असर करेगा और इसका फल है एक दिन हम भगवत चरण को प्राप्त करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।